रमजान खेड़ी में गंभीर नदी पर बनने वाले बैराज कम काजवे परियोजना के निर्माण से 3 तहसील के ग्राम जुड़ सकेंगे। साथ ही परियोजना से 315 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान सिंचाई कर पाएंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अंतिम ग्राम रमजान खेड़ी के समीप गंभीर नदी पर विधिवत निर्माण कार्य की शुरुआत की। गंभीर नदी पर बनने वाले रमजान खेड़ी बैराज गम काजवे परियोजना के निर्माण से 3 तहसील क्रमशः उज्जैन, सांवेर एवं देपालपुर तहसील के ग्राम जुड़ सकेंगे। परियोजना के निर्माण से 315 हेक्टेयर क्षेत्र में आसपास के ग्रामीण जन अपने खेतों में सिंचाई भी कर सकेंगे। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग के द्वारा 5,17,00,000 से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन तहसील अंतर्गत मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर रमजान खेड़ी ग्राम के निकट जल संसाधन विभाग द्वारा गंभीर नदी पर बैराज कम काजवे परियोजना का निर्माण होगा। रमजा खेड़ी कम काजवे योजना अंतर्गत 54.67 मीटर लंबाई के बैराज सहित कुल 183.6 मीटर के बैराज कम काजवे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। बैराज की अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर तथा टॉप पर 6 मीटर चौड़ाई में सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। योजना अंतर्गत 8 नग गेट 1.80 मीटर गुणा 3.50 मीटर के लगाए जाएंगे। योजना का अनुबंध 452,00,000 का नई दिल्ली की एजेंसी मेसर्स गोपी कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता केजी सिंह ने बैराज की स्वीकृति जानकारी दी। तहसीलों को जोड़ने वाला एक पुल, उसके साथ जल संसाधन विभाग का स्टॉप डैम बन रहा है, जिससे कि 315 हेक्टेयर सिंचाई हम दे पाएंगे। दोनों किनारों पर करीब करीब 5 किलोमीटर पीछे जल भराव होगा, 0.8 MCM पानी भरा होगा और दो गांवों के बीच में 315 हेक्टेयर सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता केजी सिंह ने बैराज की विस्तृत जानकारी दी है। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री कमल कुवाल सहित ग्रामीण जन, जल संसाधन राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा होती है। ऐसे जुझारू उच्च शिक्षा मंत्री के प्रयास से उक्त बैराज बन रहा है। क्षेत्रवासियों के लिए कर्मठ जनप्रतिनिधि के मिलने से विकास के काम अनिवार्य रूप से होते हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अंतिम ग्राम रमजान खेड़ी पहुंचने के लिए सांवेर विधानसभा क्षेत्र एवं देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव होते हुए आना पड़ता था। बैराज के बन जाने से क्षेत्रवासियों को अब लंबा रास्ता न चलते हुए सीधे अपने गंतव्य की ओर पहुँच सकेंगे। लक्ष्य 25 तक 65 लाख हेक्टेयर में हम उसको सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसी संदर्भ में ये आज रमजान खेड़ी का जो एक बैराज डैम है, इसको बनाने जा रहे, लगभग इसकी कीमत 5 करोड़ है। ये आसपास के 5-7-3 उज्जैन, देपालपुर और सांवेर 3 तहसील को इसका लाभ होगा। अन्नदाताओं को जो एक फसल लेता था, इस डैम बन जाने के बाद वो 1-2 नहीं 3 फसल का फायदा किसानों को होगा। रमजान खेड़ी उज्जैन दक्षिण का एक ऐसा गांव था जिसके लिए वो पहले देपालपुर विधानसभा जाते थे, फिर सांवेर विधानसभा जाते थे, फिर उज्जैन आते थे और आज़ादी के साथ ही वो इतना लंबा कष्ट झेलते थे। मेरे एक निवेदन पे हमारे माननीय यशस्वी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी ने इसकी राशि मंजूर की और हमने मिलकर के इसका भूमि पूजन किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी लोकार्पण भी होगा। और ख़ास बात यह है कि इस जल का अधिकतम उपयोग 3री विधानसभा गौतमपुरा देपालपुर करेगी, तो इससे कोई मना नहीं, पानी का कोई भी उपयोग करे, लेकिन ये ऐसी सौगातें लगातार मिलना चाहिए। मैं दिल से उनको अपने इस काम के लिए बधाई।